नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईयरफोन के बारे में। तो ईयरफोन जो होता है उसे जो है एक फ़ोन में लगाते हैं तब तो बिल्कुल सही आवाज़ आती है, और दूसरे फ़ोन में लगाते हैं तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है, ईयरफोन में प्रॉब्लम है या जो है मोबाइल में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है, ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों मोबाइल और ईयरफोन के माध्यम से आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक ईयरफोन लीड है और मोबाइल फ़ोन है। तो ये जो है मोबाइल फ़ोन में जैसे मतलब इसमें ईयरफोन लीड लगाई, यहाँ पे इसमें जैक में लगा दी ये पिन, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है शो करने लगी है और ये जो है ईयरफोन जो है लीड काम करने लगती है। तो कहने मतलब ये है जैसे इसमें लगा दी और ये जो है बजने लगी, और उसके बाद जो है ये लीड दूसरे मोबाइल में लगाते हैं तब ये कार्य नहीं करती है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण तो ये होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है 1 2 3 4 यहाँ पे जो है ये पिने दी, इसमें पिने में आप देख सकते हैं बीच में काला काला टाइप का दिख रहा है। तो इसमें होता क्या है, एक निगेटिव होता है और बाकी जो है पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो है दोनों ईयरफोन के लिए जो वायर इसमें से निकले हुए होते हैं उसी से हमारे स्पीकर बजते हैं तो कनेक्शन जाते हैं। तो ये हमारे पास एक दूसरा मोबाइल फ़ोन है, अब जो है यही लीड मान लिया इसमें लगाई, ठीक है यहाँ पे लगा दी, इसके बाद यहाँ पे शो कर रही है लेकिन इसमें जो है आवाज़ नहीं आती है। जैसे कभी कभी शो भी करते तब भी आवाज़ नहीं आती है, ये जैक है मोबाइल का तो इसमें कार्बन वगैरह आ जाता है, धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है, फिर उसके बाद जो है इसमें सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि कुछ लीडें ऐसी होती हैं जो दूसरे मोबाइल में सपोर्ट नहीं करती हैं लेकिन एक किसी किसी मोबाइल में सपोर्ट कर जाती हैं। और दूसरी बात यह रही, ये कार्बन का कारण हो जाता है, कार्बन होता है कहीं कहीं पर कार्बन जमा होता है तो उसमें से पिन जो है सही से टच नहीं हो पाती है और आवाज़ नहीं आती है। अगर इसमें नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं लगेगा और पॉजिटिव वाले सभी पॉइंट टच हो जाएंगे तब तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन नेगेटिव वाला पॉइंट टच हो जाएगा और पॉजिटिव वाला कोई सा भी पॉइंट टच हो जाएगा तब जो है आवाज़ आ जाती है, एक स्पीकर में आ सकती है या कम आवाज़ आ सकती है। और इसमें माइक का भी होता है कनेक्शन, और दो स्पीकर के होते हैं और एक जो है निगेटिव होता है, निगेटिव तो कॉमन रहता है। तो जैसे इसमें लगा दिया ईयरफोन लीड को लगाया इसमें, और लगाने के बाद जो है, और कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से वायर को पकड़ खींच लेते हैं तो उसमें कुछ पिन जो है मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, वायर काफ़ी पतले होते हैं इसके अंदर और वायर खींच भी जाते हैं, और जो ईयरफोन जो हमारे ईयरबड्स होते हैं इनमें भी वायर काफ़ी मतलब ऊपर से नीचे तक पतले जाते हैं। तो इसे निकालने का तरीका यह है, आप आगे पिन को पकड़ के निकालें आराम से और आगे से ही पकड़ के इसे लगाएँ, वायर को पकड़ के कभी ना खींचे कभी ना लगाएँ, इससे हमारे मोबाइल का जैक भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक मोबाइल में जो है लीड लगाने पे आवाज़ सही आ रही है और दूसरे में वो जो लीड है कार्य नहीं कर रही है। तो इसका मतलब लीड तो सही है लेकिन मोबाइल के जैक में कुछ प्रॉब्लम है, कार्बन वगैरह है, धूल मिट्टी है, ये जम जाता है तो इसलिए उससे जो है सही से टच नहीं हो पाती है और आवाज़ नहीं आती है। और कभी कभी लीड के वायर भी जो है खिंच जाते हैं तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो दूसरे में भी सपोर्ट नहीं करती है, कुछ जैक थोड़े से दब जाते हैं, थोड़ी किसी में थोड़ी लूजिंग वगैरह होती है, इसलिए कि दूसरे मोबाइल में जो है ये जो है लीड सही से कार्य नहीं करती है। तो जो ईयरफोन वाला जैक होता है उसे कैसे साफ़ कर सकते हैं, इस पर वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, और हमारे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, फिर जो है आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।